हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस के निटिंग। देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल इजी डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन जस्ट 6 रोज का डिजाइन है, वही 6 रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 5 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 4 एज स्टिच करना होगा, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4। इसमें मैंने 5 का मल्टीपल करके 15 प्लस 4 कर लिया है, टोटल 19 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदे सीधा, 1 2 भागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करना है एज स्टिच को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 2 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा आपको रिपीट करना है। फिर से इन्हीं फंदों को आपको रिपीट करना है। यहाँ से धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2 धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करना है। यहाँ से धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। यहाँ तक आपको 3 डिजाइन खत्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा आगे एज स्टिच उल्टा। सेकेंड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा उल्टा, 1 2 धागा पीछे। देखिए, ये सीधा फंदा, ये 3rd स्टिच को आपको इस तरह से लेंगे, फिर आगे के 2 फंदों के ऊपर से आपको इस तरह से पास ओवर कर देना है। इस तरह से ऐसे ये 2 फंदों के ऊपर से, और फिर 1 फंदा को सीधा बुनिए। 2 फंदों में आपको 1 फंदा सीधा बुनिए, बीच में आपको जाली डालना है इस तरह से, फिर 1 फंदा सीधा। देखिए, इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए, एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको 1 डिजाइन खत्म हुआ है। इन्हीं 5 फंदों को आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। 2 फंदा उल्टा, 1 2 धागा पीछे। देखिए, सीधा फंदा, ये 3rd स्टिच को आपको इस आगे के 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देना है। 3rd स्टिच को इस तरह से गिरा देना है। अब इस 2 फंदों को आपको 1 फंदा को सीधा बुनिए, बीच में आपको जाली डालना है, फिर से 1 फंदा सीधा। 2 डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करना है आपने इन फंदों को। 2 फंदा उल्टा, 1 2 धागा पीछे। अभी फिर ये 3rd स्टिच को इस तरह से गिरा देना है आगे के 2 फंदों के ऊपर से। अब इस 2 फंदों को फिर 1 फंदा सीधा जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा सीधा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 3 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे एज स्टिच सीधा। 3rd रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा सीधा, 1 2 धागा आगे, अब 3 फंदा उल्टा, 1। अब इस जाली को भी इस तरह से उल्टा बुनेंगे, 2 3। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। इन्हीं 5 फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। 2 फंदा सीधा आपको रिपीट करना है, 2 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। इन्हीं 5 फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। यहाँ से 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे। फिर से रिपीट, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। 3 डिजाइन खत्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक।
लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, दो फंदों को सीधा बुनिए, एज स्टिच को उल्टा। फोर्थ रो, फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ आपको दो जाली डालनी है, यहाँ बीच में आपको दो जाली डालनी है, देखिए इस तरह से एक फंदा सीधा, जाली डालनी है इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालनी है इस तरह से, एक फंदा सीधा, धागा आगे। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा, आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों के, यहाँ से दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब यहाँ आपको जाली डालनी है, दो जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, जाली, फिर एक फंदा सीधा, जाली डालनी है इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा। दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, फिर से रिपीट करना है आपको एक बार, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब एक फंदा सीधा, जाली डालनी है इस तरह से, एक फंदा सीधा, जाली डालनी है इस तरह से, एक फंदा सीधा। तीन डिजाइन ख़त्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में आपको तीन फंदा बचे गए, दो फंदों को उल्टा बुनिए, एज स्टिच को सीधा। फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, इन्हीं सात फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको इन फंदों को, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। दो डिजन ख़त्म हुआ है, फिर से रिपीट करना है आपको, दो फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, दो फंदों को सीधा बुनिए, एज स्टिच को उल्टा। सिक्स रो, सिक्स रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। देखिए अब दो फंदों का एक फंदा बनाना है, ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फर्स्ट फंदा किस तरह से सीधा करेंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा सीधा फिर बीच में, अब फिर दो का एक करना है आगे की साइड से, ये दो का एक करना है आगे की साइड से। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, दो का एक करना है पीछे की साइड से, एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करना है आगे की साइड से। इन्हीं पांच फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, और दो का एक करना है पीछे की साइड से। फर्स्ट फंदों को इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर पीछे से दो का एक करेंगे। अब बीच का एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करेंगे आगे की साइड से, इस तरह से। दो डिजाइन ख़त्म हुआ है आपको यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में फिर से एक बार रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब दो का एक करेंगे पीछे की साइड से। फर्स्ट फंदा किस तरह से सीधा बनाएंगे, पीछे से दो का एक करेंगे। अब बीच का एक फंदा सीधा, फिर से दो का एक करेंगे आगे की साइड से। तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, दो फंदों को उल्टा बुनिए, एज स्टिच को सीधा बुनिए। देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन जस्ट सिक्स रोज का डिजाइन है, वही सिक्स रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। सिक्स रोज में आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है,
देन रिपीट करते जाना है 1 to 6 रो, वही 6 रोज आपको बार बार रिपीट करते जाने के बाद ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।